स्कूल की इमारत ट्रेन की धमक से अचानक भरभरा कर गिर गई। बता दें कि यह इमारत महज 12 साल पहले ही बनी थी। इमारत जिस समय गिरी उस समय विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस इमारत के इस तरह गिरने से इस इमारत के गिरने पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर क्या कार्रवाई करता है। आगरा के अदमादपुर से बड़ी खबर है, जहां एक और सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और यह हादसा सिर्फ ट्रेन की धमक के कारण हुआ। बताया गया कि हादसे के बाद बच्चे स्कूल में नहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अदमादपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। ग्राम प्रधान ने बताया कि बिल्डिंग कुछ ही वर्षों पहले सन 2008-09 में वित्तीय वर्ष में बनी थी, जिसके कुछ सालों बाद ही बिल्डिंग जर्जर हो गई। हालात को देखते हुए तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद बीएसए आगरा के आदेश पर 3 माह पहले ही स्कूली छात्रों को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। घटना के वक्त बच्चे लंच करने के लिए स्कूल में आए थे और स्कूल के ग्राउंड में खाना खा रहे थे, तभी अचानक स्कूल के पीछे करीब 30 मीटर दूरी पर मौजूद रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरी। उसके बाद स्कूल में बने करीब 4 कमरे और प्रधानाध्यापक कक्ष भरभरा कर गिर गया। स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। सर, एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है, अब क्या कुछ कार्यवाही है आपके द्वारा? हाँ, मैं और SDM साहब वहाँ गए थे और हम दोनों ने देखा कि स्कूल की बिल्डिंग गिरी है और जितना अभी तक संज्ञान में आया है कि 2009 की बनी हुई बिल्डिंग थी, तो समय पूर्व ढह गई है, जिसमें निर्माण प्रभारी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शेष मामलों की जांच की जा रही है कि और जगहों से कहां कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सौभाग्य की बात तो ये थी कि बिल्डिंग हमने 4 महीने पहले ही अपने स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया था, लिहाजा किसी तरह की वैसी क्षति नहीं हुई है, केवल बिल्डिंग गिरी है। और बिल्डिंग चूँकि रेलवे लाइन के बगल थी, तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना ये था कि 2 ट्रेनें गुजरी उसके बाद बिल्डिंग गिरी है, तो हो सकता है कुछ कंपन वगैरह कारण रहा हो। जो भी रहा हो उसकी जांच की जा रही है, लेकिन संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर की बिल्डिंग है जो कि आज गिर गई है और मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक इधर हूँ। और बिल्डिंग ये 2008-09 में बनी है और बनने के साथ ही ये बिल्डिंग जो उस समय से ही खराब स्थिति में थी, जिसके लिए हमने शुरू से ही शिकायतें शासन प्रशासन को करते रहे। बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे अब तक? बच्चे अभी 3 महीने पहले तक तो इधर ही थे जी। बाकी 3 महीने पहले BSA साहब के आदेश से ये प्राइमरी में बच्चे शिफ्ट कर दिए गए थे। तो आज क्या घटना के वक्त बच्चे थे या गिरा है ये सब? अब बच्चे यहाँ नहीं थे, बच्चे वहीं थे, वहीं क्लास चलती हैं प्राइमरी। बताया कि बच्चा खाना खाने के लिए आते हैं? हाँ, खाना खाने के लिए बच्चे आते थे, तो मैदान में बैठे खाना खा लिया करते थे और बच्चे चले जाते थे वापस। आज बच्चे वापस चले जा रहे थे, तभी ये पीछे ट्रेन आई है और ट्रेन के साथ ही दरवाजे से गिर आई। हाँ, क्या हादसा हुआ है? ये जूनियर स्कूल है, ये अभी करीबन 12:30 बजे के समथिंग भरवरा के ढह गया। क्या कारण रहा है, किस तरह से गिरा है, बच्चे कहाँ से, कब किस किए हैं? जिस समय ये गिरा है उस समय बच्चे जहाँ आप खड़े हैं स्कूल के सामने एक ग्राउंड है, बच्चे यहाँ खाना खाने आते हैं। बच्चे वैसे शिफ्ट हमने एप्लीकेशन दे के शिकायत दर्ज करा के BSA और BSA की मदद से प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करा दिए थे। क्या हालात क्या थे इसकी बिल्डिंग के? ये सन 2008 और 9 के बीच में ये बिल्डिंग बनी है। जब बनी थी तो जो इसकी देख रेख कर रहे थे वो और ठेकेदार मिल के इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ और बिल्डिंग बहुत कम लागत से तैयार कर दी। शुरू से ही खंडम हालत में? बिल्कुल बिल्कुल, जब से शुरू हुई है तब से ही जर्जर स्थिति। इसकी शिकायत हमसे पहले मास्टर साहब करते रहे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो इसके जिनकी देख रेख में स्कूल बना था उन मास्टर साहब को मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो प्रभावशाली हैं थोड़े। उन्होंने जितनी भी एप्लीकेशन लगी उनको दबा के ऐसा काम करते रहे, किसी ने सुनवाई नहीं की। इसकी नाम क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार हुआ इसके बिल्डिंग के निर्माण में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा होने से टला है।
यदि बच्चे स्कूल में अंदर होते तो आज पता नहीं क्या होता। ये अभी करीबन 12:30 बजे के समथिंग भरवारा भी डह गया। क्या राउंड है, किस तरह से गिरा है, बच्चे कहाँ से कब पहुँचे हैं? जिस समय ये गिरा है उस समय बच्चे जहाँ उठे हैं स्कूल के सामने एक ग्राउंड है जी, बच्चे यहाँ खाना खाने आते हैं। बच्चे वैसे से हमने एक एप्लीकेशन दे के कहते हैं करा दे, जैसे की मदद से प्राइवेट स्कूल में सब करा दिए। क्या हालात क्या थे उसकी बिल्डिंग के? ये 2008 और 2009 के बीच में ये बिल्डिंग बनी है। जब बनी थी तो जो इसकी देख रेख कर रहे थे वो अब ठेकेदार मिल गए, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ और बिल्डिंग बहुत कम लागत से तैयार कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, जब से शुरू हुई है तब से ही जर्जर। शिकायत भी आपके द्वारा कही गई? इसकी शिकायत हमसे पहले मास्टर साहब करते रहे लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो इसके जिनकी देख रेख में स्कूल बना था उन मास्टर साहब को मुझे नाम नहीं पता जी, लेकिन वो प्रभावशाली हैं थोड़े जी। उन्होंने जितनी भी एप्लीकेशन लगी उनको दबा भी ऐसा काम करते रहे। किसी ने क्या नाम है उनका? क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार हुआ है इसके बिल्डिंग के निर्माण में? बड़ा हादसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा होने से डर रहे हैं। योगेंद्र सिंह, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, रसूलपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय। बिल्डिंग बहुत ही घटिया सामग्री से बनाई गई थी जिसकी शिकायतें शुरू से ही ग्रामवासियों ने और हमने भी और जो प्रधानाध्यापक इधर रहे उन्होंने सबने बराबर लगातार की। शासन प्रशासन की तरफ से जो मरम्मत के लिए जो धनराशि आती है वो इतनी नहीं थी पर्याप्त के उसका पूरा काम कराया जा सके। उससे केवल टीप टाप मरम्मत ही हो सकती थी, वो बराबर कराते रहे। लेकिन जो है क्योंकि बहुत ही कच्चे बहुत ही घटिया स्तर से इसका जो है निर्माण कार्य हुआ। नींव में जो है भूरे की उससे भराव किया गया, फर्श जो है पैरों से ही बैठने लगे और जो है छतें दीवारें बैठने लगीं, फर्श बैठ गए। इस तरीके की समस्या बार बार आती रही, छतें सारी चुचाती थी, सरिया गल चुकी थी। जब प्लास्टर ज़्यादा टपकने लगा, बार बार टपकता था, तब हम लोगों ने शिकायत करते रहे और जब ज़्यादा SDM साहब से BS साहब से सबसे कहा तो उन्होंने अगस्त के महीने में आदेश कर दिया था कि आप जो बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में बैठाने की व्यवस्था करें। तो हम वहाँ कितने दिन पहले बच्चों को वहाँ से किया गया था? अगस्त के महीने से 29 अगस्त से जी बच्चों को प्राइमरी में बैठा के हम जो काम चला रहे हैं अपना। और इस तरह से हादसे से बच सके समय रहते चेतने की वजह से हम चाहते हैं कि अन्य जो विद्यालय जर्जर विद्यालय हैं उनमें भी इसी तरह से लोग जो है सावधानी पूर्वक अपना जो है उसको बिल्डिंग से बर्ताव करें। जिम्मेदार आप किसे मानते हो? बिल्डिंग बनाने वाले ही जिम्मेदार हैं और जो भी ऊपर नीचे जो भी सक्षम जिस समय बच्चे खाना खा रहे थे। हाँ हाँ, ऐसा है कि रसोई घर इधर बना हुआ है, वहाँ प्राइमरी में इतनी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वहाँ डबल दो स्कूलों का खाना बन सके बढ़ सके जी। तो उसके लिए बच्चों को इधर ही रसोई में खाना खाने के लिए भेजा जाता था, तो मैदान में बैठ करके बच्चा खाना खा के वापस लौट जाते थे। सबको ताकीद कर रखा था, कोई बच्चा बिल्डिंग में जाए नहीं। रसोइयों ने सबने सभी आस पड़ोस के सभी लोगों परिचित सबको जानकारी थी इसकी। किसी भी प्रकार की कोई जनहानी? हाँ, कोई जनहानी नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि